प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ सालों में सब कुछ तो बदल गया है, या शायद कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ मेरी नजर बदल गई है। हो सकता है कि वक्त ही बदल गया है, सुबह से दोपहर और शाम तक मेरी जिंदगी में भी दिए जलाने का वक्त आ गया है। दूसरों को उजाला देने की कोशिश में सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कभी अपने घर के अंधेरे दूर करने के लिए दिए की तलाश होगी। वो जमाना था जब लोगों को हमारी किस्मत पर रश्क होता था। भगवान ने सब कुछ तो हमें दे दिया था, एक मध्यम श्रेणी का सरकारी औहदा, बाप दादाओं की ये कोठी और मान सम्मान, समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान, देवी जैसी धर्म पत्नी जानकी,
दो प्यारे बेटे अभय और अजय, एक लाडली बेटी तारा जो वाकई सबकी आंखों का तारा थी, तथा अभय की बहू सुनंदा। सब अपनी अपनी जिंदगी में रच बस गए थे। सिर्फ छोटा बेटा अजय आगरा में डॉक्टरी पढ़ रहा था। एक दूसरे की खुशी में ही जैसे सबकी खुशी थी। बेटे बहू की नौकरियों ने उन्हें चाहे कितना ही दूर कर दिया हो, हमारी चिंता उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देती थी। उनके हर पत्र में बस यही लिखा होता था कि पापा मम्मी आप लोग हमारे पास आकर क्यों नहीं रहते, अब आपको किस चीज की कमी है, छोड़िए नौकरी वोकरी, जिंदगी भर आपने काम ही तो किया है, अब आराम कीजिए। दयाल साहब ठीक ही तो कहते हैं आपके बेटे, अब आप काम करके क्या करेंगे, जाइए बच्चों के साथ रहिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपका भी मन बहल जाएगा। अब रिटायर होने में दिन ही कितने रह गए मिस्टर राय, वो भी कट जाएंगे, बस फिर बच्चों के साथ ही तो रहना है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, और एक दिन वो भी आ गया जब मुझे सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त होना था। ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी का एक लंबा सफर तय करके यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। एक ऐसा सफर जिसमें पीछे मुड़कर देखने का मुझे कभी समय ही नहीं मिला था, और अब आने वाला सारा वक्त सिर्फ मेरा था, ताकि मैं उस वक्त को अपने प्रियजनों के साथ बांट सकूं, सभी को जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा थी। देखो बच्चों दादाजी आ गए, मम्मी सुनंदा पापा आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी नौकरी से तो मुक्त हो गया था मैं। सोचा बाकी सभी माया मोह की चीजों से भी मुक्त हो जाऊं। आखिर अब हमें चाहिए भी क्या था, जो कुछ भी था सब बच्चों का ही तो था, और हमारे बुढ़ापे के लिए बच्चों का सहारा ही काफी था। बस सब कुछ बांट दिया अपने बेटे बेटियों में,
सिर्फ कोठी के सिवा बाप दादाओं की इस अमानत के टुकड़े करने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए जीवित रहने तक इस इमारत को मैंने अपने पास ही रखने का फैसला किया। यही तो यादगार थी जिसने सबको पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा दी थी, और मैं चाहता था कि आने वाली सभी पीढ़ियों को भी ये इमारत प्रेरणा दे। जीवन का एक अध्याय खत्म हो गया था, या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत। सारी चिंताओं से मुक्त मन एक उन्मुक्त पक्षी की तरह उड़ रहा था, यहां वहां शायद एक नई मंजिल की तलाश में। कभी ये मन पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता तो कभी आने वाले समय की ओर झांकने का प्रयत्न। इसी कश्मकश में न जाने कब हमारा सफर खत्म हो गया। स्टेशन पर अभय और सुरंदा को देखकर हमारे चेहरे खुशी से खिल गए। आजकल शहरों की जिंदगी भी क्या है, खुद नहीं चलती, घड़ी की सुइयां चलाती है इसे। सब कुछ मशीनी हो गया है, एक ही रफ्तार से एक ही तरह चलता हुआ आदमी मानो खुद भी एक मशीन बन गया हो। एक दूसरे के लिए फर्ज, प्रेम और भावनाएं घड़ी की सुइयों के इशारों का इंतजार करते रहते हैं। हर एक के हिस्से में वक्त के बस कुछ पल ही आ पाते हैं, बाकी खो जाते हैं जीवन की भागदौड़ में। एक नए वातावरण में नई जगह पर बच्चों के साथ रहने का सुख शुरू में तो कुछ दिन अच्छा लगा, परंतु बाद में हमें ऐसा महसूस होने लगा कि यहां इस परिवार की नियमित दिनचर्या में हम लोग बाधा बनने लगे हैं। किसी के पास समय ही नहीं था दो घड़ी पास बैठने के लिए। घर की नौकरानी हमारी आवश्यकताओं की सारी चीजों का प्रबंध करके छोड़ जाती हम पति पत्नी को बतियाने के लिए, लेकिन अब हम लोगों के पास शब्द नहीं थे कि एक दूसरे से बातें करें। बातों के लिए विषय भी कहां थे, क्या बातें करें, किसकी बातें करें। एक दूसरे के हाल चाल पूछने के अलावा हम पति पत्नी के रिश्ते में भी एक ठंडक सी आ गई थी। जानकी किसी तरह अपना समय गुजार देती, अपने पूजा पाठ या घर के छोटे मोटे कामों में, परंतु मेरा दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था।
मेरे शरीर पर भी बुढ़ापा अपना असर दिखाने लगा था। घुटनों में दर्द शुरू हो गया था, चलने या सीढ़ियां उतरने में तकलीफ होने लगी थी। लो बेटे। बाबूजी जरा एक मिनट, जरा मार्केट भी हो आइए ना, आलू को भी ले आएंगे तो नाश्ते में पकौड़े भी बना लूंगी। अच्छा बेटी, ले आऊंगा। दादाजी दादाजी कुछ कहानी सुनाइए ना। सुनाइए ना दादाजी। अच्छा सुनाता हूँ। जंगल के गुफा में एक शेर रहता था, बहुत बड़ा ताकतवर था। सब जानवर उससे डरते थे और उसके खाने के लिए शिकार ले आते थे। कई दिनों बाद वो शेर बूढ़ा हो गया, उसकी ताकत कम हो गई। अब जानवर उसे नहीं डरते और शिकार भी नहीं लाते। उसे वो भूखा रहने लगा। दादाजी दादाजी आप बूढ़े हो गए हैं क्या? तुमसे किसने कहा बेटे? मम्मी पापा से कह रही थी कि दादाजी और दादी जी बूढ़े हो गए हैं, तो हम क्या करें, हमारे ऊपर भी तो भार आ गया है। और ये भी कह रही थी कि उनकी देखभाल के लिए हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? और इसीलिए उन्होंने आज से नौकरानी की छुट्टी कर दी है। पहली बार हमें लगा कि वाकई हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा बोझ इतना भारी हो गया है कि हमारे जवान बेटे के कंधे उसे उठा नहीं सकते। पता नहीं हम कहां गलत हो गए थे। आखिर हमने सभी कुछ तो उन्हें दे दिया था, या फिर हमने उन्हें समझने में भूल की थी। कहीं वो इस शहर की मशीनी जिंदगी जीते जीते खुद भी तो मशीन नहीं हो गए थे। प्यार और भावनाओं से परे मशीन का एक पुर्जा। घर के सभी छोटे बड़े फैसले बेटे और बहू करते थे। हमारा काम उनकी सहमति में बस सिर हिलाना था। पापा, बोलो बेटे। क्या आप लोग उस छोटे वाले कमरे में रह सकते हैं ताकि बच्चों के पढ़ने लिखने का इंतजाम इस कमरे में हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू पापा। और इस तरह हम भी तो रूम में रखा हुआ एक सामान हो गए। हाँ, अब यही हैसियत थी हमारी। तभी छोटे बेटे की चिट्ठी आई कि उसे अपना परीक्षा शुल्क भरने के लिए 500 रुपए चाहिए। जानकी का इलाज, छोटू की फीस, सिर्फ पेंशन के अलावा कोई आमदनी नहीं थी। दिन ब दिन जानकी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बेटे पर बोझ न पड़े इसलिए कोशिश करता था कि अपनी छोटी सी पेंशन से ही उसकी दवा आदि का गुजारा हो जाए। उम्र ने तो अपाहिज बना दिया था। जानकी के देहांत ने मेरी पैसाखियां भी छीन ली थी।
निर्जीव देह बनकर रह गया था। हर तरफ यास है, उदासी है, मेरी उम्मीद कितनी प्यासी है। हर तरफ यास है, उदासी है। कीचड़ में पैदा होता है। अच्छा। और इसलिए इंसान को अच्छे कर्म के लिए कोई रोक नहीं सकता। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी। मुझे दयाल। हाँ जी, आओ ना बैठो। रोज आपको यहाँ पार्क में देखता हूँ, सोचा आपसे ही कुछ बातें हो जाए। क्यों नहीं, लगता है आप बाजू में रहते होगे। यहीं पीछे रहता हूँ। ये बच्ची आपकी है? बस मेरी समझो दयाल साहब, बच्चे तो आप जानते हैं भगवान का रूप होते हैं, जिसने प्यार से बुलाया उसी के हो गए। इस बने लोगों की सेवा भी कर लेता हूँ, और नहीं तो इस बढ़ापे में क्या रखा है दयाल साहब। सरदार जी की बात सुनकर मन खुश हो गया। कितनी अच्छी बात की थी उन्होंने। शायद अपने जीवन में उन्हें बच्चों से बेहद लगाव रहा होगा। प्राप्ति के बाद हमारे देश में हुई औद्योगिक क्रांति का हमारे विकास के सभी पहलुओं पर काफी असर पड़ा है। इसीलिए भारत विश्व के अन्य सभी विकासशील देशों के समूह में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है हमारी सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था और संयुक्त परिवार प्रणाली पर। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप नए नए शहर बसते गए और टूटते गए हमारे संयुक्त परिवार। इसमें पीछे रह गए परिवारों के मुखिया अपनी ढलती हुई उम्र के बोझ को ढोने के लिए। नई परिस्थितियों में, नई पारिवारिक प्रणाली में इनके लिए कोई स्थान न रहा, न ही दिलों में, न ही घरों में। आइए, आज का यह कार्यक्रम इन्हीं वृद्ध नागरिकों को समर्पित है जो जिंदगी भर दूसरों का बोझ उठाते उठाते खुद बोझ बन गए। Thank you.
आजकल के समय में जीवन की व्यस्तता के कारण अपने संतान, खुद के संतान ही अपने माता पिता को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे और वो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। न तो जो प्रेम और लागणी से अपने बेटे को, संतान को जो बड़ा किया, वो प्रेम, वो लागणी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं या तो आशा रखते, उम्मीद रखते, उनसे वो उनको मिल नहीं रही है और उनके लिए कुछ भी समय नहीं दे पा रहे। जो बूढ़े हैं उनके सोचने का ढंग अलग रहता है और उनके बच्चों के सोचने का ढंग अलग रहता है। परिणाम ये आता है कि हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष जैसा बना रहता है, कहीं ना कहीं कोई अनबन बनी रहती है। उसके हिसाब से जो बूढ़े हैं उनके सम्मान को भी कभी कभी ठेस पहुंचती है। जनरली ओल्ड पीपल आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर इरिटेबल बाय द रूड बिहेवियर ऑफ द जूनियर्स। पहले के जमाने के अंदर जैसे मातृभावना पितृभावना थी वो आज जमाने में नहीं रही। क्यों? क्या देखा देखी बहुत बढ़ गई है। ये लड़के लोग का संस्कार इतना अगर खराब नहीं था, आज क्यों खराब हो गया वो देखा देखी से हुआ है। जीवन की संध्या की ओर बढ़ते हुए इन बुजुर्गों को खुशी अपने चेहरे के ऊपर हमेशा के लिए आखिरी दम तक बनी रहे, वो कोशिश में हम लोगों ने उनको ये नर्मदा निकेतन में बसाने की हिसाब से ये पूरी इमारत खड़ी की और उधर पूरी सुविधा, पूरा ख्याल किया कि उनको वही स्नेह दिया जाए जो स्नेह वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उनके बच्चे उनके पास से ये टाइप का प्रेम उनको दे दे। आपको दूसरा कुछ नहीं काका? थोड़ा बुखार है? थोड़ा बुखार है, चलो गोली देंगे। अभी इधर जो प्रॉब्लम्स आता है मोस्टली बुजुर्ग का, इस मेनली फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बोलेगा तो वो लोग को घर में जितना केयर देना चाहिए, जिनका जितना केयर देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग को थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके इधर आता है। हम लोग उनको मेनली थोड़ा अच्छा से बोल के, प्रेम से बोल के उन लोग का आधा बीमारी चले जाता है। चेतन की शुरुआत के समय हम केवल सशक्त लोगों को ही यहाँ प्रवेश देते थे, लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, अगर ये जब कहीं बीमार हो जाएं तो उनके लिए कोई एक ऐसा विभाग होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इस एजेड केयर सेंटर की शुरुआत की। यहाँ पर हम इन लोगों को जिस तरीके से देखते हैं और इनके लिए करीबन 6 नर्से, रात दिन डॉक्टर, वार्ड बॉय इत्यादि की सेवा हमने यहाँ उपलब्ध की और हमें लगा कि ये अपने घर से ज्यादा यहाँ खुश और प्रसन्न है। मन दहल सा गया, अपनी व्यथा के प्रतिबिंब अन्य वृद्धों के चेहरे पर भी नजर आए। अपने आंसू मैंने उनकी आंखों से छलकते देखे। सभी कहीं ना कहीं जीवन से भागने का प्रयत्न करते हुए वृद्धाश्रम पहुंच गए थे। पता नहीं ये वृद्धाश्रम उनके बुढ़ापे की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा कर सकते थे, परंतु क्या वो प्यार उन्हें मिल सकता था जो इस उम्र में उन्हें अपने बेटे, बेटियों और नाती पोतों से मिलना चाहिए, अपने सगे संबंधियों के साथ रहने का सुख
क्या उन्हें यहां मिल सकता था? उम्र के इस दौर में हुई भावनात्मक रिक्तता को क्या ये वृद्धाश्रम भर सकते थे? उत्तर की आशा में न जाने कितने नए प्रश्न खड़े हो गए थे। फिर भी उनके लिए जिनका कोई नहीं था या सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, एक आशा की ज्योति अवश्य जला दी थी इन वृद्धाश्रमों ने। सभी कुछ तो था उनकी सुख सुविधाओं के लिए यहाँ, बुढ़ापे का अकेलापन दूर करने के लिए हम उम्र साथी, फिर भी सभी कहीं ना कहीं अकेले थे। ओल्ड इज नॉट ब्लेसिंग बट कर्स। हम लोग यहाँ कहाँ है उसका आप विचार करें तो समझ सकते हैं कि हमारे मर्जी के विरुद्ध हम यहाँ आए हुए। हम लोग को कल्पना होता है हम हमारे ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर के साथ खुशी से खेले, पर वो आनंद हमको नहीं मिलता है। इस वृद्धाश्रम में जो भी बुजुर्ग आते हैं वो कोई ना कोई मजबूरी से आते हैं। कोई बेटा उनको निकाल देता है या तो कोई बेटी उनको निकाल दे। अभी समस्या ये वृद्धापन की और राष्ट्रीय समस्या हो गई है। गवर्नमेंट ने सब वृद्धों का देखने का काम कर हाथ में लिए का तो मर्सी करिंग रूल इंट्रोड्यूस कर दे तो बहुत आभार हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को इस समस्या पर सोचना चाहिए। हर युवा पीढ़ी के बच्चे अगर इस तरह बुजुर्गों का अपमान करते रहेंगे और तिरस्कृत उनको करते रहेंगे तो बुजुर्ग का स्थान समाज में जल्दी से जल्दी गिरता जाएगा। इसके लिए जो बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि एक दिन वो भी बूढ़े हो जाएंगे और आज जो उनके माँ बाप के प्रश्न हैं वो उनके प्रश्न हो जाएंगे। इसके लिए हमेशा उनके प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको हमेशा मान देना चाहिए और जो माँ बाप है उनको भी बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके संघर्ष को टालना चाहिए। The government of India is very much well aware of these problems of this group of people, and the strategy that it has adopted is to encourage the non-governmental organizations to spread out the infrastructural facilities, healthcare facilities and nutrition facilities by means of the institutionalizing the old age homes. इस समस्या का हल सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं है, हर युवा पीढ़ी को ये वक्त आने वाला है और उनको भी इसी बुढ़ापा आने वाला है। और इस तरह अगर युवा पीढ़ी बुजुर्गों के साथ बर्ताव करेगी तो ये समस्या कहाँ तक पहुँचेगी और कहाँ तक ये बुजुर्गों का स्थान होगा ये समाज उसका उपाय कर नहीं पाएगा।
कैसा था ये सपना? मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत लोग थे एक ही तरह का दुख भोगते हुए। सभी जिंदगी के एकांत रेगिस्तान में भाग रहे थे दो घूंट पानी की तलाश में। तभी एक विचार आया कि अपने पूर्वजों की अमानत हमारी कोठी क्या इनके सर की छत नहीं बन सकती? मुझे बुलाया? हाँ भाई, तुमसे कुछ कहना है। मैंने निश्चय किया है कि अपने पुराने घर को किसी सामाजिक कार्य में लगा दूंगा। मेरा मतलब है उसे वृद्धों के लिए आवास गृह बनाऊंगा। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? ये अपने पुरखों की अमानत है और उस पर हम सबका अधिकार है। किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम? पहले अपने पुरखों की इज्जत करना सीखो। तुम्हारे लिए तो उनकी कीमत स्टोरूम में रखे हुए सामान से ज्यादा नहीं। तुम उनकी अमानत को क्या समझोगे? अब जिंदगी
जिंदगी के बचने का इम्कान हुआ तो है, तस्की ने जिंदगी का ये सामा हुआ तो है, कुछ तो हमारे दर्द का दरमा हुआ